गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल इन योर होम. स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. स्टूडेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द रिप्रोडक्टिव चेंज इन एन एडल्ट ह्यूमन फीमेल. फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, वो होने के बाद जो चेंजेस आते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं. फर्स्ट कंडीशन, व्हाट हैपन इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, एंड सेकंड कंडीशन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं. अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो ये क्या होगा? इट लीड्स टू प्रेगनेंसी. ठीक है, इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड होता है, द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप किस में हो जाएगा? जायगोट फर्स्टली डेवलप इनटू एम्ब्रॉय, एंड एम्ब्रॉय इज अ स्मॉल बोल लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 32 सेल विच मूव टुवर्ड द यूटेराइन वॉल एंड फिक्स इट सेल्फ टू ब्रॉडर चैम्बर ऑफ द यूट्रस वॉल, एंड द फीमेल इज कॉल्ड प्रेगनेंट. स्टूडेंट्स, जो जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों ने अपने गैमेट्स को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया. इन्होंने गैमेट्स क्या किए? रिलीज किए. ठीक है, मेल क्या रिलीज करेगा? स्पर्म, और फीमेल एग. जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये किस फॉर्म में आएंगे? ये आएंगे जायगोट, और फिर जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रॉय. और फिर एम्ब्रॉय, देखो जब ये स्पर्म और ये एग आए तो ये एन नंबर ऑफ सेल थे. ठीक है, यहाँ इस एन का मतलब क्या, किस चीज़ से है? हैप्लॉइड से. और जब ये जायगोट की फॉर्म में आए, वन एंड दिस साइड एंड वन एंड कम फ्रॉम एग, तो ये कंडीशन हो गई टू एन की. ठीक है, जब ये टू एन कंडीशन हुआ तो हमने इसको बोल दिया डिप्लॉयड कंडीशन. तो हमारे पास जो जायगोट आया वो डिप्लॉयड फॉर्म में था, जब हमारे पास ये सिंगल सेल थी. ठीक है, फिर इसके बाद जब ये एम्ब्रॉय बनता है तो ये इस तरह से एक सिंगल सेल में था. फिर यहाँ सिंगल सेल से टू सेल बनी. ठीक है, फिर इस ये ग्रो किया इसने, और ये टू सेल से क्या हुई? फोर सेल बन गई. इसी तरह से डिवाइड करते करते ये लास्ट में इस तरह से 32 सेल बन गई. ये एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पर क्या थी? 32 सेल्स बन गई. क्लियर, इस 32 सेल्स वाली फॉर्म को इन्होंने बोल दिया मोरूला. ठीक है, यहाँ पे आया है ना, अभी देखो ये 32 सेल्स, जिसको क्या नाम दे दिया? मोरूला. अब ये मोरूला ये क्या करेगा? हमने बताया कि यूट्रस के अंदर जो ब्रॉडर चैम्बर है, जहाँ हम ये बोलेंगे प्रेग्नेंट लेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे ये मोरूला यूट्रस के अंदर सेटअप हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? इम्प्लांटेशन. क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके, अब हम आगे करते हैं. कह रहे अब ये कनेक्शन बिटवीन द एम्ब्रॉय एंड मदर इज बाय ए प्लेसेंटा. अब एम्ब्रॉय डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, इम्प्लांटेशन फर्दर ग्रो करेगा, 64 सेल में आएगा. इसी तरह से सेल डिवाइड होती जाएंगी और एम्ब्रॉय फीटस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, जब बेबी वॉर्म में होता है तो उस फॉर्म को हम फीटस बोलते हैं. तो अब फीटस की ग्रोथ के लिए बच्चे को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए. अब वो न्यूट्रिशन किसके थ्रू लेगा? वो प्लेसेंटा के थ्रू. गैसियस एक्सचेंज भी करना है उसको, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 रिलीज़ करनी है, तो ये सारे काम प्लेसेंटा के थ्रू होंगे. क्लियर बच्चों? इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल विच सप्लाई न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय. क्लियर, अब ये कह रहे हैं इट हैज़ विलाई ऑन द एम्बेडेड साइड ऑफ द टिश्यू विच प्रोवाइड इज सरफेस फॉर ऑक्सीजन और ग्लूकोज टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रॉय. ये सब वही कह रहा है कि
न्यूट्रिशन का ट्रांसफर होगा बाय एम्ब्रॉय. इट आल्सो हेल्प इन द जनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल लाइक CO2, ठीक है, वो भी एम्ब्रॉय से वापस मदर ब्लड में आ जाता है. ये सारे फंक्शन प्लेसेंटा कर रही है, क्लियर. अब कंडीशन आती है, व्हाट हैपन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाती है, ठीक है. ये कह रहा है इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लाइज फॉर 1 डे, ठीक है. एग सिर्फ 1 डे के लिए सर्वाइव करता है. एवरी मंथ आवर ओवरी रिलीज 1 egg, ठीक है. और ये एग कब रिलीज होता है, 14 डे पे. और इस 14 डे को हम जब एग रिलीज होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मिड डे होता है वो, और उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है. अब यूट्रस क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करेगा, ठीक है. अब क्या करता है, जब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है तो यूट्रस अपनी लाइनिंग को थिक कर लेता है, स्पंजी कर लेता है, किसके लिए, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है. जब इंटरकॉरस नहीं हो, स्पर्म वहाँ पे ना आए, ना फर्टिलाइजेशन हो, ना जोएगोट बना, ना एम्ब्रॉय बना, लास्ट में फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में वो सारे लाइनिंग ब्रेकअप हो जाएंगे और वो वेजिनल में एक ब्लीडिंग के थ्रू क्या करेंगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फॉर्म में सामने आती है, क्लियर. ये लास्ट क्या कह रहे हैं, इट लास्ट अबाउट 2 to 8 days, या फिर ये सारे की सारे प्रोसेस 28 days में कंप्लीट होती है, तो इसलिए इसको मंथली साइकिल भी बोलते हैं और इसलिए इसका नाम मेंस्ट्रुएशन फॉर्म रखा गया, क्लियर. स्टूडेंट अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशन, सोशल एंड बिहेवियर. मीन्स क्या है, रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या कह रहा है, हमारी हर चीज़ को इफेक्ट करता है, लाइक फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियर, हर एक इफेक्ट हमारे रिप्रोडक्शन से होता है, ठीक है. इसमें अब एक पॉइंट आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है STD, ठीक है. ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, लाइक गोनेरिया, साइफिलस. ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है जो इन्फेक्शन कॉजेज करती है. और ये कह रहे हैं एड्स, वार्ट्स, ये वायरस के थ्रू होती है. इन डिजीज से क्या होता है, इम्यूनिटी पावर वीक होती है, ठीक है. अब ये कह रहे हैं फैमिली प्लानिंग मेथड, इसमें आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. इसका मीनिंग क्या है, टू अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकना, ठीक है. इसके फायदे क्या है, इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, फर्स्ट पॉइंट. अब ये कह रहे हैं इसको रोका कैसे जाता है, ये मैकेनिकल बेरियर लाइक कंडोम, डायफ्राम यूज़ करके, ठीक है, बाय मेल दिस मेथड, एंड चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस by using oral pills or contraceptive pills. यार अब ये कह रहे हैं implanting contraceptive device like loop, copper T, ये female body के अंदर implant कर दी जाती है जो sperm kill करने में help करती है. अब ये कह रहे हैं surgical method, ये permanent method होते हैं. इसमें जैसे vasectomy में क्या होता है, vasa deferensa, जो हमने male reproduction में पढ़ा था, वासा डिफरेंशा, उसको कट कर देंगे, कट करने के बाद उसको टाइड कर देते हैं ताकि स्पर्म फीमेल की बॉडी में रिलीज ना हो पाए, ठीक है. अब ये कह रहे हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है फीमेल बॉडी के अंदर, उसको कट कर दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से एग प्रोड्यूस ना कर पाए, क्लियर. स्टूडेंट्स आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आई होप ये आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों. थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स.